नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला 2.0 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा से वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से संवाद स्थापित करेंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ वहां पर पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शुभारंभ करने वाले हैं। वहीं पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से संवाद भी स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ वहां पर पहुंचेंगे। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वह श्रीनगर के एक स्थानीय होटल में प्रदेशाध्यक्ष जीए मीर के बेटे के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी पर विराम लगाने का प्रयास राहुल गांधी करेंगे। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के खेमों में कांग्रेस से बंटी हुई नजर आ रही है। तो राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी पर विराम लगाने का ये प्रयास राहुल गांधी करेंगे। वहीं वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के खेमों में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर रात्रि भोज में विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों में विपक्षी दलों की एकता को मजबूत करने और भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सिब्बल ने रात्रि भोज की मेजबानी की, जिसमें कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को संगठनात्मक सुधार के लिए पत्र लिखने वाली G23 के लगभग सभी सदस्य वहां पर मौजूद थे। रात्रि भोज में आमंत्रित विपक्ष के एक नेता ने कहा, एकता को और मजबूत करने के लिए ऐसी बैठकें और आयोजित की जानी चाहिए। हमें बीजेपी को 2022 में पहले उत्तर प्रदेश में अब और फिर 2024 के आम चुनावों में हराना है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने घर पर रात्रि भोज हुआ और वहां पर विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने वहां पर मुलाकात की है, क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा प्रिया कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल के घर पे डिनर पार्टी विपक्षियों के द्वारा आयोजित की गई, जिसकी अगुवाई जो है वो कपिल सिब्बल ने ही की और उन्होंने अपने घर पर ही विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया और उनसे बातचीत करी और सारी विपक्षी पार्टी जितनी थी उनसे एकजुटता की अपील करी है। तो ये जो मीटिंग हुई, खास बात यह है कि राहुल गांधी इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, उनके बगैर ही ये मीटिंग की गई। हालांकि कपिल सिब्बल जो है वो एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने जो है इस मीटिंग को आयोजित किया और अपने घर पे विपक्षी दलों को बुलाकर एक मैसेज देने की कोशिश करी लोगों से। जितने भी नेता थे उन सबसे एक अपील करी कि एकजुटता में ही ताकत है और साथ मिलकर ही लड़ने में भलाई है। और विधानसभा 22 उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसकी बात हुई और साथ ही साथ 2024 में जो चुनाव है लोकसभा के उस पर भी मंथन हुआ है। जी प्रिया, शहबाज, क्या लगता है जिस तरह से ये डिनर पार्टी का आयोजन किया गया और इसके पीछे की बात अगर की जाए तो क्या कुछ चुनावी एजेंडा तैयार किया जा रहा है?
बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये कपिल सिब्बल के यहाँ सीताराम येचुरी और अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, स्टालिन जैसे जितने दिग्गज नेता थे, गुलाम नबी आजाद, तो विपक्षी एक G23 बोला जाता है, कांग्रेस का एक G23 सदस्य है जिसमें कांग्रेस के वो नेता हैं जो शीर्ष नेताओं से नाराज जताए जाते हैं, तो वो भी मौजूद थे इस मीटिंग में और गुलाम नबी आजाद भी थे जो G23 के सदस्य हैं और कपिल सिब्बल खुद G23 के सदस्य हैं। तो ये G23 कांग्रेस का ही एक दल है जो शीर्ष नेताओं से नाराज नाराज है, जिसने कुछ बातों पर अपनी असहमति जताई थी, सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, तो ये सारे लोग मीटिंग में थे, मौजूद थे और उन्होंने इस बात पर आपस में एकजुटता की बात करी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको किस तरीके से घेरा जाए और साथ ही साथ 2022 में जिन जिन राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव है उनको लेकर किस तरीके से विपक्ष जो है एकजुट हो सकता है, साथ ही लोकसभा में 2024 का जो चुनाव है उसमें कैसे विपक्ष एकजुट हो सकता है, तो एकजुटता की बात करी गई है क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि विपक्षी कहीं ना कहीं से एक साथ आने में कहीं ना कहीं कोई कसर रह जा रही है। कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं आना चाह रही, कभी कांग्रेस किसी पार्टी के साथ सम्मेलन में नहीं खड़ा होना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में भी एकजुटता की जो कमी है वो दिखाई दे रही है। इसी को जो है जोड़ने की एक बार फिर से कोशिश की गई कपिल सिब्बल के घर पे कि हाँ एकजुटता बनी रहे और एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो है सामना किया जाए। जी शहबाज, जिस तरह से विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है और ऐसे में इस तरह से ये जो मुलाकातों का दौर जारी है विपक्षियों का, क्या लगता है कितना असर पड़ने वाला है चुनाव पर इसका? प्रिया, जिस तरीके से अभी सदन की कार्रवाई जो चल रही थी दिल्ली में, तो जिस तरीके से देखा कि विपक्षी लगातार एकजुट दिखे, इसकी अगुवाई राहुल गांधी ने की बतौर विपक्षी नेता के रूप में, और राहुल गांधी के साथ तमाम ऐसे दल थे जो मौजूद थे, अन्य दल जो थे वो मौजूद थे, चाहे वो पेगासस मामला हो, चाहे वो कृषि कानून बिल का मामला हो, तो लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश में है, जिससे कई दिनों से देखा जा रहा है प्रिया कि जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है कुछ मुद्दों को लेकर, हाल ही में हुए पेगासस कांड की बात करी जाए या फिर पिछले साल जो कृषि कानून बिल है उसको लेकर लगातार जो है विपक्ष किसानों के साथ खड़ा होता देखा गया है, और अखिलेश यादव भी जब वहां सदन में पहुंचे थे उन्होंने भी तख्ती दिखाकर किसान आंदोलन का सपोर्ट किया था, तो कहीं ना कहीं विपक्षी जो है वो एकजुटता दिखा रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि अगर एकजुट रहे तभी बीजेपी को मात दे पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सिब्बल ने रात्रि भोज की मेजबानी की है जिसमें कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को संगठनात्मक सुधार के लिए पत्र लिखने वाले G23 के लगभग सभी सदस्य मौजूद थे। वहीं रात्रि भोज में आमंत्रित विपक्ष के एक नेता ने कहा है कि एकता को और मजबूत करने के लिए ऐसी बैठे और आयोजित की जानी चाहिए, हमें बीजेपी को 2022 में पहले उत्तर प्रदेश में और फिर 2024 के आम चुनाव में हराना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विवादित नारेबाजी के मामले में पूर्व बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वह उनके साथ अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं। गौरतलब है कि जंतर मंतर पर अश्विनी उपाध्याय के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र, आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। एक विशेष समुदाय पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पुलिस तक पहुंचा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं अपने ऊपर दिल्ली पुलिस के एक्शन की खबरों के बीच अश्विनी उपाध्याय ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिस संगठन की ओर से ये कार्यक्रम हुआ था वह उसमें सिर्फ एक अतिथि के रूप में गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सेवा इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था। प्रीत सिंह इस संगठन के अध्यक्ष और अरविंद त्यागी सेक्रेटरी हैं। मेरे सेव इंडिया फाउंडेशन से कोई संबंध नहीं है। मैं RVS मणि, फिरोज सख्त अहमद और गजेंद्र चौहान की ही तरह अतिथि था। हम वहां 11 बजे पहुंचे और 12 बजे निकल भी गए। मैं इन बदमाशों से कभी नहीं मिला हूं। यूपी के साथ उत्तराखंड में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है।
लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में एक और नया मोड़ देखने को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब यूपी के बाद उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पर होने की संभावना है। जाहिर है उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब ओवैसी की एंट्री से मुकाबला भी दिलचस्प होने वाला है। ओवैसी की पार्टी की अल्पसंख्यक वोटर की अच्छी खासी तादाद भी है। तो अब उत्तराखंड में भी ओवैसी की एंट्री देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को देखते हुए पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और इस बार उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में एक और नया मोड़ देखने को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब यूपी के बाद उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पर होने की संभावना है। वहीं जाहिर है कि उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब ओवैसी की एंट्री से मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। ओवैसी की पार्टी की अल्पसंख्यक वोटर की भी अच्छी खासी तादाद भी है। वहीं कोविड 19 के साप्ताहिक आंकड़ों में पिछली बार उछाल के बाद इस हफ्ते 4% की गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर में कई राज्यों में तेजी से मामले कम हुए हैं, जिसका असर साप्ताहिक डेटा पर पड़ा है। रविवार को खत्म हुए सप्ताह में 2.74 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। उससे बाद हफ्ते में मामले में अगर बात की जाए तो 2.86 लाख थे। वहीं करीब 3 महीनों में पहली बार साप्ताहिक आंकड़े में बढ़ोतरी देखी गई थी। 26 जुलाई और 1 अगस्त के बीच करीब 12 हफ्तों में पहली बार ये मामले बढ़े। वहीं केरल के मामलों में करीब 27% का इजाफा देखने को मिला था और इसके अलावा कर्नाटक और पूर्वोत्तरी कुछ राज्यों में भी इसके केसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़े थे। तो कोरोना का केसेस एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि केरल में सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं, वहां पर करीब 27% का इजाफा देखने को मिला है और इसके अलावा कर्नाटक और पूर्वोत्तरी के कुछ राज्यों में भी केसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खतरे के बाद अब जीका वायरस का भी खतरा मंडरा रहा है। पुणे जिले में जीका वायरस का पहला केस सामने आने के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने कई गांवों में जीका वायरस के दस्तक की आशंका जाहिर की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इन गांवों में इमरजेंसी सेवाओं के लिए तैयारियां भी कर ली है। दरअसल पुणे के बेलसर गांव में जीका वायरस का पहला मरीज मिला था। पहला केस सामने आने के बाद से ही महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। तो महाराष्ट्र के कई गांवों में अलर्ट को जारी कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के बाद अब जीका वायरस लोगों पर खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुणे जिले में जीका वायरस का पहला केस सामने आया है, जिसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कई गांवों में जीका वायरस के दस्तक की आशंका जाहिर की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इन गांवों में इमरजेंसी सेवाओं के लिए तैयारियां भी कर ली है। दरअसल पुणे के बेलसर गांव में जीका वायरस का पहला मरीज मिला था। वहीं पहला केस सामने आने के बाद से ही महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। वहीं उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों में अगले 5 दिनों तक व्यापक रूप से बारिश होने का अनुमान है। आज पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से तेज दक्षिण पश्चिम या दक्षिणी हवाओं के चलते बुधवार यानी 11 अगस्त से बारिश की तीव्रता बढ़ने का अनुमान है, जिसके परिणाम स्वरूप 11 से 13 अगस्त के दौरान असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड में और 12 से 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। वहीं 10 से 13 अगस्त के दौरान झारखंड में और 11 से 13 अगस्त के दौरान ही पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है।
तो कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड में और 12 से 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में बारिश होने का ये अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। वहीं 10 से 13 अगस्त के दौरान झारखंड में और 11 से 13 अगस्त के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना में उफान जारी है। प्रयागराज में गंगा पहले से ही खतरे के निशान पर बनी हुई है। रविवार रात यमुना भी खतरे का निशान पार कर गई। वाराणसी में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। कानपुर में यमुना में उफान है, जबकि गंगा बेतवा और चंबल स्थिर है। गंगा और यमुना की बाढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी आबादी भी प्रभावित हुई है। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। प्रयागराज में बाढ़ की विभीषिका विकराल हो चली है। आधी रात यमुना भी खतरे का निशान पार कर गई। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर रविवार शाम 7 बजे ही खतरे का निशान 84.73 मीटर पार कर गया। शहरी में बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। वहीं करीब 12,000 मकान पानी से घिर गए हैं। बीते बुधवार को राजस्थान के धौलपुर बैराज और मध्य प्रदेश के माता टीला बैराज से छोड़ा गया पानी यहां अब खतरा बनता जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में चिंता जताई है। संक्रमण काल में भी उद्योग समेत तमाम आर्थिक और विकास संबंधी गतिविधियों को जारी रखा गया है। फिर कोरोना जैसे जैसे कमजोर होता गया, कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें भी ढीली की जाती रही। वहीं प्रदेशवासियों को दिन की साप्ताहिक बंदी से भी राहत की प्रतीक्षा है। चूंकि मामले काफी घट गए हैं और स्थिति यूं ही नियंत्रण में रही तो विशेषज्ञों का इशारा मिलते ही सरकार एक दिन की साप्ताहिक बंदी का फैसला कर सकती है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रलयकारी हुई तो लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों की तरह ही प्रदेश में भी विभिन्न गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। बाजारों या सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ रोकने के लिए चरणवार के तरीके से शुक्रवार, शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी लगा दी गई थी। फिर जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो सरकार ने बाजार, मॉल, मल्टीप्लेक्स, दफ्तर खोलने के साथ साप्ताहिक बंदी को भी घटाकर 2 दिन का कर दिया। अब चूंकि प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से काबू में नजर आ रहा है, इसलिए सरकार ने माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने का भी फैसला कर लिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना का ग्राफ काफी कम होता दिखाई दिया है, क्या लगता है लोगों को साप्ताहिक बंदी से कब राहत मिलने वाली है? जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है वो कोरोना की जो रफ्तार है वो कम होती देखी जा रही है। और साथ ही प्रिया आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना के जो दैनिक मामले हैं वो लगातार उनमें गिरावट दर्ज हो रही है। बीते 24 घंटे में 23 मामले ही आए हैं। और अगर बात करी जाए कोरोना मुक्त जिलों की तो लगभग 9 से ज्यादा जिले हैं जो इस वक्त कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। और कोरोना की जो रफ्तार है वो भी उत्तर प्रदेश में जो है वो धीरे होती दिखाई दे रही है। और साथ ही पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो वो भी 0.01% है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सिर्फ एक दिन का ही साप्ताहिक लॉकडाउन लगाए। कोविड कर्फ्यू जिसे लगाया गया था कोरोना का प्रकोप बढ़ते हुए जब लगातार बढ़ रहा था तब राज्य में जो है कोविड कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था कई जगह पे, लेकिन अब जो है कोरोना की जो लगाम है उस कोरोना की जो रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगते देखा जा रहा है प्रिया, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो हो सकता है एक नया फैसला ले सकती है। क्योंकि शहबाज कहीं ना कहीं इससे जो उद्योग कर्मी है उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलने को भी मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर अगर लोगों की बात की जाए तो शनिवार और रविवार हफ्ते का एक ऐसा ही दिन है 2 जिसमें लोग ज्यादा बाहर जाते हैं, और ऐसे में जिस तरह से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है ऐसे में दुकानदारों को इससे नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है। जी
जी बिल्कुल प्रिया, बात करें तो व्यापारियों में काफी गुस्सा था, व्यापारी काफी परेशान थे योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले से कि जो वीकेंड लॉकडाउन अभी नहीं हटाया जा रहा था, क्योंकि काफी दिनों से देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई केसेस नहीं आ रहे थे ज्यादातर इलाकों में जो है। अभी बीते एक दिन पहले की बात करें तो 60 जिलों में एक भी केस नहीं आए थे कोरोना के। तो जिस तरीके से अगर बात करी जाए व्यापारियों का, अगर वीकेंड में प्रिया अमूमन लोग जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं और जो है लोग खाते पीते हैं और मल्टीप्लेक्स जाते हैं, तो हर जगह पर शॉपिंग करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो व्यापारी हैं वो खासा प्रभावित होते हैं। सीधे तौर पर व्यापारियों को इससे काफी नुकसान होता है, ठीक है। और जिस तरीके से देखा गया प्रिया की बीते कुछ दिनों से जो लगातार ये जो कर्फ्यू लगा हुआ था उसको लेकर व्यापारी जो है वो सरकार से काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे। अभी हाल ही में कुछ व्यापारियों ने व्यापार मंडल ने ये आवाज भी उठाई थी जब वीकेंड पे सरकारी आयोजन हो सकते हैं तो फिर दुकानें क्यों नहीं खुल सकती। तो लगातार सरकार भी कहीं ना कहीं व्यापारियों के दबाव में थी, जिसके बाद अब ये लग रहा है कि कोविड कर्फ्यू जो है वो 2 दिन की बजाय अब 1 दिन का होने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया कि अब माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई भी शुरू कर दी जाएगी, तो ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब जिस तरह से केसेस काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं तो जो साप्ताहिक बंदी है उससे भी काफी राहत मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है वो वैक्सीनेशन के मामले में भी सबसे पहले नंबर पर आता है। अगर राज्य में वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग पहली डोज जो है वो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो पहली डोज ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पॉजिटिविटी रेट है और जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो काफी तेजी से चल रहा है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट गई है। और जिस तरीके से बात करें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना केसेस की वो भी कम हो गए, और ऐसे में सरकार जो है वो शिक्षण संस्थानों की भी खोलने की बात कर रही है, और व्यापारी भी लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो साप्ताहिक बंदी है उसको उसमें राहत दें। 1 दिन की साप्ताहिक बंदी का सरकार के सामने व्यापारियों ने आग्रह किया था कि एक दिन का लॉकडाउन लगाएं, अन्यथा 2 दिन के बजाय 1 दिन का लगाएं, क्योंकि वीकेंड एक ऐसी दिन होते हैं वीकेंड्स में जब लोग जो है घरों से बाहर निकलते हैं, शॉपिंग के लिए निकलते हैं, खाने पीने के लिए निकलते हैं, ऐसे में व्यापारियों का जो व्यापार है वो काफी बढ़ जाता है वीकेंड्स में। तो इस वजह से व्यापारी जो है वो लगातार काफी नाराज थे। अभी कुछ व्यापार मंडल के लोगों ने इस पे आवाज भी उठाई थी जब अभी लगातार देखा गया कि बीजेपी का जो प्रोग्राम थे भारतीय जनता पार्टी के वो वीकेंड्स में हुए, अमित शाह का आगमन हुआ हो चाहे जेपी नड्डा का आगमन हुआ हो, तो दोनों ही आगमन जो थे वो वीकेंड्स कर्फ्यू के दौरान ही हुए, जिसको देखते हुए व्यापारियों ने ये सरकार से कहा कि जब आपके आयोजन हो सकते हैं तो दुकानें क्यों नहीं खुल सकती हैं। तो एक तरीके से सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश व्यापारियों ने की थी, और इसको देखते हुए सरकार जो है व्यापारियों को नाराज भी होते नहीं देखना चाहती है। प्रिया शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब जो दुकानदार हैं उनको राहत मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ अब काफी ज्यादा यूपी में कम होता जा रहा है उसको देखते हुए जो साप्ताहिक बंदी है उसमें 1 दिन की राहत भी मिल सकती है। आपको बता दें कि कोरोना जैसे जैसे कमजोर होता गया कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें भी ढीली कर दी जाती है, वहीं अब प्रदेशवासियों को 2 दिन की बजाय साप्ताहिक बंदी में भी इससे राहत मिलने वाली है, क्योंकि मामले काफी कम हो रहे हैं और स्थिति यूं ही नियंत्रण में रही तो विशेषज्ञों का इशारा मिलते ही सरकार 1 दिन की साप्ताहिक बंदी का फैसला भी कर सकती है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।